हो गया तैयारी कायाकिंग का, गोप्रो भी पहन लिया है। अब चलते हैं अपना सीधा कायाकिंग के लिए। बंद हो चुकी है, बाहर बैठते हैं थोड़ी देर। हाँ पूरी तरफ अपना एग्स वगैरह का सिस्टम है, सारा ग्रिल का इधर है। रखे एग्स, जकूजी, ये 500 पर पर्सन है। ये वाला जकूजी जो है इसमें 6 पीपल आ सकते हैं। खूब खाने पीने को मिल रहा है उनको, जिंदगी मजे में कट रही है इनकी। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे की सुबह हो गई है और रात को बहुत अच्छी नींद आई। एक तो थक गए थे, तो थकने के बाद थोड़ा ज़्यादा नींद अच्छी आती है। मतलब आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोने के लिए जस्ट आप बेड पे जाओ और अपना सो जाओ। जैसे मैं सोया, मज़ा आ गया। अब तो सुबह हो गई है, यहाँ पे हो गए हैं 7:30, तो इंडिया में हो रहा होगा आई थिंक 9:15 और 9 o'clock। बट बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, बहुत सुबह सुबह कैसा है। सुबह 2 हो चुकी है, बाहर बैठते हैं थोड़ी देर। हाँ, ये देख रहे हो आप, मैंने पूरी रात एसी चलाया तो उसकी वजह से थोड़ा ये फॉगी हो गया। ये भी, ये सब बाहर से है। बिल्कुल शांति है सुबह सुबह तो यहाँ। और ये मैंने यहाँ सुखा दिए हैं अपने कपड़े, स्विम सूट, क्योंकि आज भी जाऊँगा मैं नीचे जब वाटर एक्टिविटीज़ करने जाऊँगा। टावल भी यहीं पे है। लोग कर रहे हैं अपना मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह। ये तो खेलने जा रहे हैं। ये रहा स्विमिंग पूल। थोड़ा सा वॉक करके आता हूँ मैं अभी, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, ब्रश करते हैं। एक्चुअली क्या है, अभी पहले तो चाय ऑर्डर करके अपना इधर बैठते हैं। सुबह की चाय यहीं पे पी जाएगी, तब मज़ा आएगा। अभी पहले अपना जो सुबह सुबह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है हर बंदे की और हर किसी की, वो निपटाते हैं। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अब चलते हैं अपना। यहाँ मैं आपको लेके नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, यहाँ मैं अकेला जाऊँगा। और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये है इस रिज़ॉर्ट का रिलैक्सेशन वाला एरिया। यहाँ पे स्पा होता है, मसाज है, जकूजी हो रहा सामने, और उसके जस्ट बराबर में वो है सोना। और सोना से निकलने के बाद आप इसमें डिप कर सकते हैं। ये स्पेशल उसके लिए पूल है, ये वाला जो पूल है। उधर बीन बैग्स भी रखे हुए हैं रिलैक्सेशन के लिए, और इधर की तरफ बेड्स भी हैं। इधर भी एक बेड है और कुछ चेयर्स यहाँ पे हैं। ये जकूजी, ये 500 पर पर्सन है। ये वाला जकूजी जो है इसमें 6 पीपल आ सकते हैं, किड्स और बड़े अगर आ जाएँ, 4 बड़े और 2 छोटे छोटे बच्चे। और ये सोना, यहाँ पे सोना है, स्टीम सोना, बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इट्स अ नाइस प्लेस। वैसे तो सारे बीच रिजॉर्ट ऐसे ही हैं यहाँ पे मॉरिशस में ज़्यादातर, लेकिन मैं इसमें आया हूँ तो मैं इसका एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आप लोगों को कैसा है। सोना तो कर रहा हूँ मैं, बाकी और कुछ नहीं। बाकी मसाज वगैरह की अभी कोई ज़रूरत है नहीं, गर्मी बहुत है। या तो जकूजी कर सकते हैं या फिर वो सोना, इट्स डिपेंड। जा रहे हैं जी ब्रेकफास्ट करने सुबह सुबह, सामने रेस्टोरेंट में ही। सुबह ही म्यूज़िक चल रहा, रात को तो बहुत ही बढ़िया यहाँ माहौल बना हुआ था, म्यूज़िक व्यूज़िक के साथ पूरा फन चल रहा था। अभी तो सुबह के 8 बज रहे हैं, सब लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं अपने रूम से निकल के, क्योंकि सब बफे सिस्टम आगे रेस्टोरेंट में ही है, वो जो रेस्टोरेंट है सामने उधर। कभी आपको खाली दिख रहा पूरा एरिया, थोड़ी देर में बढ़ जाएगा पूरा का पूरा। क्योंकि सारे लोग यहीं आके बैठते हैं, बाहर एरिया ये जो रात को आपको मैंने दिखाया था पूरा फुल था, अब खाली है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए भी यहीं आए हैं, कल डिनर के लिए भी यहीं आए थे ब्रेकफास्ट में। अब जूसेस वगैरह लगा दिए हैं, चाय वगैरह, इनका बफे बहुत अच्छा लगा मेरे को। नाइट में तो इतना आइटम थे, वो मैंने बनाई नहीं थी वीडियो। यहाँ पे सारे फ्रूट्स वगैरह हैं, सब चीज़ है। और ये अपना मॉर्निंग में जो मिल्क के साथ लेते हैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ये सैलड है, इधर ये फ्रूट्स हैं, ये ब्रेड्स हैं इधर की तरफ, ये सारी ब्रेड्स खाते हैं। ब्रेड्स की बहुत वैरायटी मिलती है। ब्रेड्स इतनी हैं और डिफरेंट तरीके की होती हैं। ये स्वीट है, ग्रिल्ली है, सारी होती हैं। और इधर की तरफ भी फ्रूट सैलेड है, इधर की तरफ अपना एग्स वगैरह का सिस्टम है, सारा ग्रिल्ड का इधर है। ये रखे एग्स। तो जी मेरा आज वेज था, तो मैंने वेज में ही सब चीज़ ले ली। ब्रेड ले ली, ये बड़ी फेमस होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्रायो, आई डोंट नो इसका पूरा प्रॉपर नेम। ये बहुत टेस्टी होती है। एंड नॉर्मल ब्रेड, पैन केक, और इनको आप पकोड़ा कह सकते हो, यहाँ के पकोड़े हैं। और बटर, ये चीज़ है। अब कॉफ़ी आने वाली है और फ्रूट जूस। और ब्रेकफास्ट करते करते ये देखिए, ये भी अपना खाना पीना चल रहा है इनका। बाकी दो ये भी हर जगह अवेलेबल है भैया। बट ये यहाँ पे लगी हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट के बाहर बैठी रहती हैं, होटल वालों की हैं। खूब खाने पीने को मिल रहा है इनको, ज़िंदगी मज़े में कट रही है इनकी। इस तमाशा होटल में मॉरिशस में। ट्री पे बहुत सारी विशेस लोगों ने बांधी हुई हैं अपनी, इसे बोलते हैं विश ट्री। लिखा भी हुआ है, और इस पेड़ पे बांधा हुआ है। विशेस पूरी होंगी अगर किसी की तो पता नहीं, हम भी बांध देते हैं एक विश अपनी। तैयारी कायाकिंग का, GoPro भी पहन लिया है। अब चलते हैं अपना सीधा कायाकिंग के लिए। लेट्स गो। ऑल सेट। बैठ चुके हैं जी अब इसमें कायाक में। ओके, कुछ समझाते हुए, ये वैसे तो हम अपने हिसाब से चलानी है, देखते हैं, फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं। चलिए लेट्स गो। हो गई है डन जी कायाकिंग, बहुत मज़ा आया। अब उतरते हैं इससे। पता नहीं फुटेज कैसी आई होगी, लेकिन मैंने सर पे लगा रखा है इस कैम को। तो ओवरऑल मैं तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ सेक्शन कैमरा। आई थिंक फुटेज बन गई हो ठीक ठाक। तो मैं आपसे बता रहा था या बाय, आप कभी भी किसी भी आइलैंड पर जाते हैं तो कायाकिंग ज़रूर करें, बहुत मज़ेदार चीज़ है। मतलब कोई भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी आप छोड़े मत, वो आपको गाइड करेगा वहाँ पे। जैसे मेरे को समझा रहा था, उसने मेरे को काया कैसे दे दी जैसे मैं कब से चला रहा हूँ, बट ओवरऑल ठीक है। सेफ्टी बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी तो जैकेट वाली है, अपनी सेफ जैकेट जो होती है उनकी। बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब तो चलते हैं, एक पूल पार्टी हो रही है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंग्लिश पूल पार्टी, जो जैसे मैंने सुनाया अभी तक, देखा भी था मैंने रिव्यूज़ उसके और उसकी वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये सब फॉरेनर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये फॉरेनर्स के लिए स्पेशल बीच। यहाँ पे एक भी इंडियन नहीं देखा मैंने। मैं मॉरिशियन हूँ तो मेरे को पता नहीं, लेकिन आप देख रहे हो जैसे, तो सही है। अब तो चलते हैं, अपना पूल पार्टी करते हैं भैया। दिन वाली रात की हो गई है, अब दिन की पूल पार्टी आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसी है। और यहाँ पे आ रहे हैं या फिर किसी भी आइलैंड पे जा रहे हैं भाई, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप बिल्कुल मत छोड़िए। पूरा फन आता, पूरा मज़ा आता है। सेफ्टी तो रहती है, ये आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा पानी से अगर किसी को डर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको देते हैं इनकी जैकेट भैया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब निकलते हैं यहाँ से अपना पूल पार्टी के लिए। थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं यहाँ पे, फिर निकलते हैं अपना पूल पार्टी करेंगे। अब पूल पार्टी करने से पहले थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लेता हूँ मैं। वैसे तो मेरा टाइम होने वाला है यहाँ से चेकआउट का, मेरा ओवर होने वाला है। उससे पहले पूल पार्टी जरूर करेंगे यहाँ पे, दिन वाली। सुना बहुत अच्छी होती है इंग्लिश। अब जैसे ये जा रहे हैं, एक तो मैंने सर पे लगा रखा, मुझे नहीं पता कैसा फुटेज आ रहा है, लेकिन ठीक है। ये जो जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, अब ये लोग यहाँ बैठेंगे अपना, मैं ही बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा राइट में, वहाँ पर बहुत बढ़िया जगह है बैठने के लिए। तो जी कयाक वगैरह हो गई है डन, वाटर एक्टिविटी जो यहाँ पे थी वो कर ली है। अब तो निकलने का टाइम हो रहा है, अब निकलता हूँ यहाँ से। और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपना, पहले गाड़ी में सामान डालूंगा, फिर थोड़ी देर और स्विमिंग करूँगा। बाहर एक पार्टी चल रही है पूल पे, तो उसको एंजॉय करता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि कल से ज़्यादा स्विम तो नहीं किया। शाम को किया था, फिर आज सुबह सोना में गया था मैं यहाँ, और सोना होने के बाद फिर डायरेक्टली सी में ये अपनी कायाकिंग वगैरह करने गया था। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. एक चीज़ कहूँगा इस रिज़ॉर्ट के बारे में, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा था। यहाँ पे तमासा होटल मॉरिशस में बेलमो जगह है जहाँ पे ये है, इनके दो यहाँ पे होटल्स हैं। तमासा एक बेलमो में है, एक दूसरा मेरे को पता नहीं कहाँ पे है, वो भी था लेकिन दो हैं। तो मैं तो इसमें रुका था इस बीच रिज़ॉर्ट में, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बस ये है कि जब कभी भी आते हैं आप यहाँ पर तो कोशिश कीजिए कि पहले से पहले बुक कर लें। और चेकआउट करने के बाद भी आप यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो अपना, अगर आप गाड़ी से हो तो अपना लगेज सब गाड़ी में रख सकते हो आप। बट ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस सब बहुत अच्छा रहा यहाँ का। और जब कभी भी आएँ यहाँ पे तो एक बार तो मॉरिशस में किसी बीच रिजॉर्ट पे रुकिए और एन्जॉय कीजिए इसको। और ये तो आपको मैंने कल दिखाई दिया था। अब मैं थोड़ी देर पहले इसमें लेट जाता हूँ, अभी हैं 15 मिनट्स, तो अपना इसको भर के अपना एन्जॉय करके बाथ टब को निकलते हैं यहाँ से। मिलते हैं आप लोगों से नई जगह पे, नई लोकेशन पे, कुछ और दिखाते हैं आपको मॉरिशस में। तब तक के लिए बाय, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, नहीं तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय।